हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे थर्ड पार्टी प्लगइन क्या है। एक और नई चीज है थर्ड पार्टी प्लगइन। थर्ड पार्टी प्लगइन क्या होता है, जिसको आप इफेक्ट बोलते हो ना कि हमें अलग से इफेक्ट चाहिए, वो थर्ड पार्टी प्लगइन होता है। बेसिकली दैट इज अ थर्ड पार्टी प्लगइन। अब होता क्या है कि जो इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो वीडियोग्राफर है, उन लोगों को इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, जानकारी होती है, वो केवल हर चीज़ को केवल इफेक्ट ही नज़र आता है उनको, हर चीज़ में इफेक्ट लगा दो। बेसिकली दिस टेक्नोलॉजी में इफेक्ट एक्चुअली में केवल एक चीज़ है और सारा और सब कुछ है। अब थर्ड पार्टी प्लगइन क्या है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, चाहे आप वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर यूज़ करें, EDS यूज़ करें, पिनाकल यूज़ करें, या FCP यूज़ करें, या AVD यूज़ करें, या मैजिक प्रो यूज़ करें, कोरल वीडियो स्टूडियो उसको यूज़ करें, मेनी मोर सॉफ्टवेयर्स यू कैन यूज। बट जब इफेक्ट की बात आती है तो जो कंपनी सॉफ्टवेयर को जनरेट करती है, वो सॉफ्टवेयर को मिनिमम इफेक्ट के साथ एक उसकी स्टैंडर्ड होता है कि उतने ही ट्रांजिशंस, किसी में 100 मिलेंगे, किसी में 200 मिलेंगे, किसी में 400 मिलेंगे। जब भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे, उसके साथ में वो इफेक्ट इनबिल्ड होते हैं, मतलब ऑटोमेटिक उसके साथ में इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन जब हमें आपके उस सॉफ्टवेयर में, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट चाहिए हो, और उस इफेक्ट को जनरेट करने के लिए बनाया है किसी थर्ड और कंपनी ने, लेकिन उसको इंस्टॉल आप इसी सिस्टम में करते हो और यूज इसी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत करते हो, तो उस बनाए गए सॉफ्टवेयर को हम लोग प्लगइन बोलते हैं। मतलब इस सॉफ्टवेयर में नए नए इफेक्ट को जनरेट करने के लिए इस कंपनी के अतिरिक्त अन्य दूसरी कंपनियों ने जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना रखे हैं और इसमें इंस्टॉल करके इफेक्ट, नए नए इफेक्ट इसमें जोड़े जाते हैं, उस सॉफ्टवेयर को प्लगइन बोला जाता है। डोंगल के साथ में बहुत सारे इफेक्ट आते हैं ना, वो प्लगइन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो इसके साथ सपोर्ट होते हैं। वो जब आप सिस्टम में इंस्टॉल करोगे तो आपको फिल्टर लिस्ट में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, लेकिन उनको बोलते हैं थर्ड पार्टी प्लगइन। कुछ इफेक्ट इसी कंपनी ने, सेम कंपनी ने बनाए होते हैं, कुछ दूसरे कंपनी ने बनाए होंगे। जो इस कंपनी ने खुद बनाए उसको हम प्लगइन बोलेंगे, जो दूसरी कंपनियों ने बनाए उसे हम थर्ड पार्टी प्लगइन बोलेंगे। वो इसको सपोर्ट करते हैं, इस सिस्टम साथ में इंस्टॉल हो जाते हैं, इस सिस्टम में ही आपको फिल्टर लिस्ट में भी मिलेंगे और यूज भी यही होंगे। लेकिन जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे, उसके साथ में बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं आएंगे। उनको इंस्टॉल करने के लिए आपको अलग से एक सेटअप चाहिए होगा, उनको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन वो आपके साथ सपोर्ट करने के लिए आपके लिस्ट में आएंगे। उन्हें हम बोलते हैं थर्ड पार्टी प्लगइन्स, बेसिकली जिसे हम लोग एक्स्ट्रा इफेक्ट बोलते हैं। और वो प्लगइन कैटेगराइज होते हैं कि जो प्लगइन आप ला रहे हैं वो आफ्टर इफेक्ट के लिए है, प्रीमियर के लिए है, FCP के लिए है, या EDS के लिए है, या पिनाकल के लिए है। ये आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम देख करके आप ले और आप इंस्टॉल कर दो, तो काम नहीं करेगा। और प्लगइन्स के लिए ये भी ज़रूरी होता है वो प्लगइन किस वर्जन के लिए बनाया गया है। ऐसे प्लगइन्स होते हैं जैसे आप आजकल EDS में हम 3 वर्जन यूज़ करते हैं, EDS 5, EDS 6, EDS 7। हर सॉफ्टवेयर वर्जन के हिसाब से प्लगइन्स भी डेवलप किए जाते हैं कि जो प्लगइन्स आप ले रहे हैं वो EDS 5 के लिए है, या EDS 6 के लिए है, या EDS 7 के लिए है। और EDS में भी आपके दो वर्जन आते हैं, एक 32 बिट आता है, एक 64 बिट आता है। आपने जो सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा है वो 32 बिट इंस्टॉल कर रखा है या 64 बिट इंस्टॉल कर रखा है। आप देख रहे हैं मंत्रा ट्यूटोरियल्स। सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।